हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी के इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिटलर के उदय से अस्त होने की पूरी कहानी। और आई थिंक आप सभी ने एडोल्फ हिटलर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा, बट उनके बारे में अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो तो मैं आज उन्हीं के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए हम इस कहानी को आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर की उदय से अस्त होने की पूरी कहानी। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरी विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व की बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता था बल्कि अपनी नीतियों की बदौलत खुद को वह सबसे ऊपर मानता था। जहाँ जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित व संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की व्यवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रसिद्ध प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वह समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी। वह नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर के अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्हें एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 अप्रैल 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुछ 13 महीने तक कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मिम कैंप मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए
अपने ही देश के सैनिकों की गोलियां का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल सेरिया होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से लेकर 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 में उन्हें जर्मनी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया। वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश की भी घोषित कर दिया। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना करके पड़ोसियों देशों पर आक्रमण कर दिए, जिसके फलस्वरूप 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और भी मैं हिटलर की नेक्स्ट स्टोरी लेकर मैं यहाँ पे आपके सामने आऊँगा, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हिटलर से जुड़े या फिर हिस्ट्री से जुड़े बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे देता चला जाऊँगा। तो इस तरह की और भी स्टोरी लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।